हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्वास्थ्य के टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है पारिवारिक स्वास्थ्य। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पारिवारिक स्वास्थ्य होता है उस पर तकनीकी हस्तक्षेप की भूमिका बताइए। तकनीकी हस्तक्षेप मतलब होता है जो साइंस में जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, खोज हुई हैं हेल्थ सेक्टर में, तो उसका क्या रोल हमारे पारिवारिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, परिवार के स्वास्थ्य पर पड़ता है। ये जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में भी बहुत बार आ चुका है और 15 नंबर में ये मोस्टली पूछा जाता है। और अगर आप अभी नया सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर सिलेबस चेंज होता है तो ये 11 नंबर में पूछा जाएगा। तो थोड़ा बहुत कम करके इसको लिख दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। सबसे पहले पारिवारिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीकी हस्तक्षेप में अपन लिखेंगे कि पारिवारिक स्वास्थ्य क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये मेरे हेल्थ का जो टॉपिक है, हेल्थ के जो नोट्स हैं उसमें से ही ये टॉपिक लिया हुआ है। हेल्थ के नोट्स, हेल्थ और शिक्षा, मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा की जो सॉफ्ट कॉपी की प्राइस है वो 230 है, और सॉफ्ट कॉपी की प्राइस है, और इसकी हार्ड कॉपी की प्राइस 520 है। इसको आप पूरे पैकेज के साथ लेते हैं तो ये आपको कम में मिल जाएगा। अगर आप इसका पूरा पैकेज लेते हैं तो आप साथ में सॉल्ड पेपर भी लीजिएगा ताकि आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर किस टाइप के आते हैं और किस तरीके से उनमें हल रहता है वो मिले। जो प्रीवियस ईयर्स के जो मेरा पेपर बनाया हुआ है उसमें आपकी करीब 7 फाइल रहेंगी। पेपर वाइज ये सॉल्ड पेपर रहेगा, पेपर फर्स्ट का अलग रहेगा, सेकेंड का अलग रहेगा, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको फाइल उठा के पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप एक फाइल उसी की उठा पाएँ जिसका आपका एग्ज़ाम है। तो क्या होता है पारिवारिक स्वास्थ्य पढ़ते हैं। तो परिवार के प्रत्येक सदस्यों को अन्य सदस्यों से संबंधित सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों से अवगत होने तथा उनके प्राथमिक उपचार में सक्षम होने से है। पारिवारिक स्वास्थ्य मतलब आपका परिवार है और परिवार में जितने सदस्य हैं उन सदस्यों को क्या समस्याएं हैं आपको उस बारे में जानकारी होना चाहिए और उस स्वास्थ्य का प्राथमिक लेवल पे ही, प्राथमिक स्तर पर ही उपचार कराना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें प्राथमिक स्वास्थ्य के अंतर्गत, पारिवारिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आती हैं कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को अन्य सदस्यों से संबंधित सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अवगत हो और वो इसको प्राथमिक स्तर पे ही उपचार कराने में सक्षम हो। समाज के निरंतर प्रयास विकास की क्रम की दिशा में, समाज जो निरंतर विकास कर रहा है, परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है। हम कहीं भी कितना भी विकास कर रहे हों, कितने भी ज़्यादा ऊपर क्षेत्र में हों, कितने भी ज़्यादा कमा रहे हों, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है हमारा परिवार, जिसे विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे में रखना आवश्यक है। तो हमें ज़रूरी है कि हमारे परिवार के लोग जो हैं वो स्वस्थ रह सके। स्वास्थ्य सेवाओं की ये उपलब्धता परंपरागत रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र इत्यादि के माध्यम से हो रही हैं। तो ये स्वास्थ्य सेवाएं हमें किस माध्यम से उपलब्ध होती हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा, आंगनवाड़ी स्वास्थ्य केंद्र द्वारा, आदि द्वारा। बदलते हुए इस आधुनिकीकरण के दौर में ये परंपरागत स्वास्थ्य सुविधाएं भी तकनीकी समन्वय के द्वारा अपने आप को अधिक प्रभावी समन्वय में रूप दे रही हैं। मतलब टेक्निकल जो चीज़ें हैं, ऑनलाइन आजकल हम हमारे मध्य प्रदेश में बैठे बैठे दिल्ली से रिपोर्ट मंगा सकते हैं। हमारी जो चेकअप हमने कोई करवाया हो तो दिल्ली के बड़े डॉक्टर को भेज सकते हैं, वहाँ से वो हमें रिपोर्ट भेज सकता है। तो ये इसलिए हो पाया है क्योंकि हमारे पास, हमारे स्वास्थ्य में तकनीकी आ गया है, तकनीक आ गई है। तो इसके कारण हमारी स्वास्थ्य जो फैसिलिटी है वो और अधिक प्रभावी हो गई है। तकनीकी हस्तक्षेप होने से सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता दोनों में ही वृद्धि हुई है। अलग अलग प्रकार की मशीनें आने लगी हैं। अब जो रिपोर्ट के लिए एक छोटे से ज़िले से हमें स्टेट लेवल पे जाना रहता था, अब हमारे क्षेत्र जहां पर हम हैं वहां पर भी वो सुविधाएं मुहैया हो जाती हैं। तथा नवीन स्वास्थ्य सुविधा भी परिवार स्वास्थ्य का, पहले जो परंपरागत इलाज होता था अब नया स्वास्थ्य प्रणाली उपयोग होने लगी है। स्वास्थ्य सुविधाओं के तकनीकीकरण को हम निवारात्मक व उपचारात्मक दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे बांटेंगे? एक होता है निवारात्मक और एक होता है उपचारात्मक।
देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से मैंने फ्लो चार्ट का यूज़ किया है, इसी प्रकार के फ्लो चार्ट का उपयोग आपको मेरे पूरे नोट्स में मिलेगा। जितने भी नोट्स हैं, फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप, जहाँ पे मैप की ज़रूरत है भारत या एमपी के, जहाँ पे फ्लो चार्ट की ज़रूरत है, कहाँ पे कितना लिखना है, ये सभी आपको नोट्स में मिलेगा। आपके पास जो नॉर्मली नोट्स रहते हैं उनमें आपको समझ में नहीं आता है कि इस टॉपिक से प्रश्न कैसा बन पाएगा। मेरे नोट जो नोट्स हैं उसमें प्रश्न उत्तर श्रृंखला में हैं सभी नोट्स, कोई भी टॉपिक वाइज नहीं है, तो जिससे पता चल जाता है कि इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ ही मेरे 21 पेड ग्रुप भी दिए गए हैं। इन 21 पेड ग्रुप में भी आपको टॉपिक वाइज रिविज़न आंसर दिए जाते हैं, अलग अलग रिविज़न आंसर्स दिए जाते हैं, ताकि आपको वो पता चले कि हाँ ये एक आंसर बन सकता है। आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया मिलेगा तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ हमको ये पढ़ना है। साथ में हाई कोर्ट का जो रिज़ल्ट आ जाता है आरक्षण वाला, तो फिर हम जल्दी ही ग्रुप जो हमारे 21 ग्रुप है उनमें टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। साथ में प्लस एक ग्रुप और रहेगा आपका सॉल्व पेपर का। तो इस प्रकार से टोटल 22 पेड ग्रुप आपके पास रहेंगे। और सेकेंडली फ्रेंड्स, मेरा केवल जो मेरे जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप हैं वो नॉर्मली जो मेरे पेड ग्रुप हैं उनमें तो मैं ही जोड़ती हूँ, और जो पब्लिक ग्रुप है मेरे 6 से 7 वो सभी जीके विद आकांक्षा नाम से हैं। टेलीग्राम में भी जो ग्रुप है वो जीके विद आकांक्षा नाम से हैं। बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया था कि आप लोगों को मेरे ग्रुप से ही हटा के ऐड कर लिया है, तो मैंने किसी कोई नाम से आपको ऐड नहीं करवाया है, मेरा केवल जीके विद आकांक्षा ही नाम से ग्रुप है, तो आप बस उसी को ही ऐड कीजिएगा। अगर आप दूसरे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो ही होइएगा, मेरे सोच के कि मैंने किया है तो ये इससे उससे आप लेफ्ट हो सकते हैं। तो निवारात्मक उपाय क्या हैं और उपचारात्मक उपाय क्या हैं? निवारात्मक हैं जैसे कि कैसे हम निवारण हैंड वाश का उपयोग किया जाए, डिजिटल शुगर मशीन, आद्रता मशीन, अल्ट्रा वाटर प्यूरीफायर, ऑल आउट सैनिटाइज़र का प्रयोग, ये सभी निवारात्मक उपाय हैं जिससे हम निवारात्मक उपाय कब होते हैं? जब भी हमें कोई बीमारी नहीं होती उसके, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, हमें कोरोना ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम मास्क लगाते हैं और सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हैं। मच्छरों से हमें मलेरिया ना फैले इसलिए हम क्या लगा लेते हैं, ऑल आउट लगा लेते हैं। तो हमें कोई बीमारी ना हो उसके पहले हमें कोई उपचार करना हो तो वो निवारात्मक कहलाएगा। उपचारात्मक अब हमें हो गया है, कोई बीमारी हमें हो गई है तो उसका उपचार जब हम करेंगे तो वो उपचारात्मक में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो स्वास्थ्य होता है वो 2 प्रकार से होता है, निवारात्मक और उपचारात्मक। उपचारात्मक में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, स्टेम सेल, ये सभी नई जो साइंस टेक्निक हैं वो हैं नैनो मेडिसिन, जैविक दवाइयाँ, तो ये सभी निवारात्मक में आते हैं जिनको हम हमारे जो बीमार होने, जो भी हमें बीमारी है उसके पहले यूज़ करते हैं, उपचारात्मक उसके बाद यूज़ करते हैं। तकनीकीकरण के कारण उपयुक्त उपकरणों के प्रयोग में सरलता, सहजता और समय की बचत होती है। तकनीकीकरण जब से हमारे जीवन में आई है हर क्षेत्र में हमें बहुत शीघ्रता मिली है, हम हर क्षेत्र का काम बहुत जल्दी कर पाए हैं। इसी तरह स्वास्थ्य में भी हमको बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिली हैं। निवारात्मक पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से, ये माध्यम कर लीजिएगा, कभी कभी लिखने में कुछ शब्द छूट जाता है तो आप थोड़ा समझ के लिख लिया कीजिए। निवारात्मक पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से परिवार को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने, बीमार ना होने के साधनों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। दूसरी ओर उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं के तकनीक हस्तक्षेप के अंतर्गत विज्ञान प्रौद्योगिकी के नए आविष्कार, अनुसंधान आते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा, योगा इत्यादि के माध्यम से पारिवारिक स्वास्थ्य की सुनिश्चितता की जा रही है। किसके द्वारा? आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा, योगा आदि के माध्यम से। अतः देखा जाए तो पारिवारिक स्वास्थ्य जैसी संकल्पना के साथ तकनीकी समन्वय व डिजिटलीकरण ने स्वास्थ्य सुविधा को अधिक सुविधा सरल, सुविधाजनक, सुगम, सरल और सहज बना दिया। डिजिटल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेट पर उपचार प्रणाली को पढ़कर अब हमें कोई भी बीमारी होती है, अगर हमारी कोई भी बीमारी हो गई, जैसे कि हाथ में हाथ सूज रहा है, पैरों में सूजन आ गई है, तो हम जल्दी जाते हैं गूगल पे सर्च कर लेते हैं ये लक्षण दिख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है,
कहीं हमको डायबिटीज़ तो नहीं है, कहीं हमारा बीपी हाई तो नहीं हो रहा है, कहीं बीपी लो तो नहीं हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें हम कैसे पता कर लेते हैं, हम तुरंत इंटरनेट पे जाते हैं, यूट्यूब में जाते हैं तो पता कर लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें किसके माध्यम से हुआ है, ये सभी चीज़ें साइंस के द्वारा ही हुआ है। तो डिजिटल को जो प्रणाली है वो हमारे अब जीवन में बिल्कुल सम्मिलित हो चुकी है, हर क्षेत्र में सम्मिलित हो चुकी है। तो डिजिटल कॉन्फ्रेंस इंटरनेट पर उपचार प्रणाली को पढ़कर देखकर हम परिवार में इसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि आजकल तो ये हो गया है कि आज हम दवाई भी लेते हैं तो हम पहले उसकी गूगल पे जांच कर लेते हैं कि ये दवाई सही है या नहीं है। तो दवाइयां लेने के समय का अलार्म, टीकाकरण का समय, VMI की गणना, फिटनेस चेकअप कर लेते हैं हम, VMI के द्वारा पता कर लेते हैं कि हमारा वेट कितना होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग। तो ये सभी चीज़ें हम कहाँ से पता कर सकते हैं, ये हम साइंस के द्वारा ही पता कर सकते हैं। तकनीकी ही हस्तक्षेप हमारे जीवन में हो रहा है जिससे हमें फायदा ही है। आदि तकनीकी समन्वय से पारिवारिक स्वास्थ्य को प्रभावी बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, ये हमने लगभग 3 पेज का आंसर पारिवारिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीकी हस्तक्षेप में लिखा। पारिवारिक स्वास्थ्य क्या होता है, इसके प्रकार आ जाए तो ये आप लिख दीजिएगा, निबंध आ जाए पारिवारिक स्वास्थ्य पर टिप्पणी लिखिए तो आप ये लिख दीजिएगा। ये मेरे फुल पैकेज है 8500 रुपये का, इसमें आपकी डिस्टेंस के हिसाब से कुरियर चार्ज लग जाएगा, साथ में सॉल्ड पेपर इसके साथ आप लेना चाहेंगे तो +1200 रुपये का आपका सॉल्ड पेपर रहेगा। कल तक ये 1000 था लेकिन अब ये 1200 हो चुका है। इसके साथ आपको 21 पेड ग्रुप मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, टेस्ट सीरीज़ आपको आरक्षण का जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद स्टार्ट होंगी। और ये जो आप लोग बार बार मुझसे पूछते हैं कि ये MP स्पेशल इसी में इंक्लूड है, हाँ ये बिल्कुल इसी में ही इंक्लूड है, आपको MP की 4 फाइलें इसी में ही मिलेंगी। अगर आपके घर में प्रिंटर है तो आप सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी का 5200 रुपये चार्ज है, +1000 आपका सॉल्ट पेपर का चार्ज रहेगा, इस तरह 6200 रुपये आपका रहेगा। पूरा फुल पैकेज मिल जाएगा आपको, ग्रुप में आपको आंसर राइटिंग कराई जाएगी, ग्रुप में आपको रिविजन आंसर्स दिए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। आप मुझे किसी भी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये नंबर दिया गया है यहाँ पर, आप मुझे नोट्स की जानकारी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।